झारखंड विधानसभा में चंपई सोरेन की बड़ी जीत। चंपई सोरेन ने हासिल किया विश्वास मत। चंपई के समर्थन में 47 वोट पड़े, विश्वास मत के विरोध में 29 वोट पड़े। बहुमत परीक्षण के दौरान बोले सीएम चंपई सोरेन, कहा विपक्ष ने सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को सराहा, खुद को बताया हेमंत सोरेन पार्ट टू। मोदी सरकार पर चंपई सोरेन का हमला, कहा केंद्रीय एजेंसियों का किया जा रहा है दुरुपयोग। हेमंत सोरेन पर झूठे आरोप लगाए। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा आरोप, कहा मेरी गिरफ्तारी में राजभवन भी शामिल, अगर घोटाला साबित हुआ तो छोड़ दूंगा राजनीति। साजिश के खिलाफ मैंने हार नहीं मानी। कड़ी सुरक्षा के बीच बहुमत परीक्षण में शामिल हुए हेमंत सोरेन, फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए ईडी की टीम लेकर पहुंची थी झारखंड विधानसभा। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा फ्लोर टेस्ट औपचारिक प्रक्रिया थी, हमारी पार्टी हमारा गठबंधन एकजुट है। बहुमत परीक्षण पर महुआ मांझी का बयान, कहा 100% विश्वास, सब अच्छा होगा, अगली बार भी सरकार में आएंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बीजेपी पर हमला, कहा झारखंड में भी इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश में बीजेपी, झारखंड में विधायकों को खरीदना चाहती है। झारखंड विधानसभा फ्लोर टेस्ट पर बोले बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश, कहा चंपई सोरेन विश्वास मत तो हासिल कर लेंगे लेकिन जनता की नजरों में गिरी हुई सरकार साबित हुई। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा 9 फरवरी तक जवाब, 12 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी को दी थी चुनौती। बिहार की सियासत में भी जबरदस्त हलचल, अब बिहार के 16 कांग्रेसी विधायक पहुंचे हैदराबाद, रिजॉर्ट में ठहराए गए, 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट से पहले टूटने की आशंका। बिहार में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी बेटे को अच्छा विभाग ना मिलने से है नाराज, बोले क्या कोई और विभाग नहीं था पहले मुझे फिर बेटे को भी, एससी एसटी कल्याण मंत्री बनाया गया। जेडीयू सांसद राजीव रंजन का बयान, कहा हमारी पार्टी और हमारे अलायंस के पास बिहार में पूर्ण बहुमत। सीएम नीतीश को लेकर बदले चिराग पासवान के तेवर, कहा नीतीश से मिलना कोई प्रोटोकॉल नहीं, विकास का काम होगा तो जरूर मिले। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 7,36,000 करोड़ का बजट पेश किया, योगी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस, लखनऊ में एरोसिटी का प्रस्ताव। सीएम योगी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को भगवान राम को समर्पित बताया, कहा बजट में हर वर्ग का रखा गया खास ख्याल। मुख्यमंत्री योगी ने बजट पेश होने से पहले कैबिनेट बैठक की, बजट को सदन में पेश करने से पहले पास किया बजट का मसौदा। असम विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन हंगामा, कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के भाषण का बहिष्कार किया। झारखंड के रामगढ़ में पहुंची राहुल गांधी की न्याय यात्रा, रांची के शहीद मैदान में की जनसभा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह आज नहीं ले पाए शपथ, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नहीं दी अनुमति, कहा विशेषाधिकार समिति के पास है मामला। एमएलए की खरीद फरोख्त के आरोप में मामले में क्राइम ब्रांच को आज जवाब नहीं देंगे केजरीवाल और आतिशी, बाद में देंगे लिखित में जवाब। उत्तराखंड विधानसभा में कल पेश होगा यूसीसी बिल, विधानसभा सत्र की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले धार्मिक नेता संसद में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी। केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने राज्य विधानसभा में बजट पेश किया, वित्त मंत्री बोले पर्यटन, बंदरगाह और कोच्चि औद्योगिक कॉरिडोर प्राथमिकता रही। श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्टी गोविंद गिरी का बड़ा बयान, कहा अयोध्या ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि को सौंप देना चाहिए, फिर हम बाकी मंदिरों पर ध्यान नहीं देंगे। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी, सिसोदिया की 22 फरवरी तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई, पत्नी से हफ्ते में 2 बार मिलने की इजाजत। चंडीगढ़ नगर निगम दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर हटाया। गुजरात में हेट स्पीच मामले में आरोपी मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को अहमदाबाद एटीएस लाया गया, सलमान अजहरी को 2 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर गुजरात एटीएस ले गए। मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी के वक्त नजर आए एआईएमआईएम नेता वारिस पठान, गुजरात ले जाते समय रहे मौजूद। दिल्ली में इंडियन कैंसर सोसाइटी ने राइज अगेंस्ट कैंसर मोबाइल ऐप का लॉन्च किया, कैंसर पीड़ितों को 5 भाषाओं में कैंसर के बारे में मिलेगी सटीक जानकारी। किन्नौर में पांगी नाला के पास सतलुज नदी में गिरी इनोवा कार, एक शख्स गंभीर रूप से घायल, 2 लाख। यूपी के कौशाम्बी में सिपाही की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, एनकाउंटर में घायल बदमाश से 32 बोर की पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया।
जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी, पूरा शहर बर्फ की सफेद चादर से ढका, लाल चौक टावर भी बर्फ से ढका। शिमला में बर्फबारी से एनएच समेत 645 सड़कें ठप हैं, बर्फ हटाने का काम जारी, फिसलन बढ़ने से रस्सी से बांधकर निकाली जा रही है गाड़ी। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई, 4 फीट तक जमी बर्फ, तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी।